अभी क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग जब से आए हैं यहाँ रांची के पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को हमेशा टाल मटोल किया गया। आज भी हम लोग मिलने जा रहे थे तो उनके द्वारा हम लोगों को वहाँ से मिलने नहीं दिया गया और बोला गया ज़्यादा कीजिएगा तो FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा, आप लोग उठा के ले जाएंगे। तो हम लोग चूँकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं और आज अभी से हम लोग आमरण अनशन में बैठ रहे हैं कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आमरण अनशन इसलिए कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आके बैठ के खाना खाने के लिए नहीं आए, मिलने के लिए आए हैं। और ये हम लोगों को यही बोला गया था इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप लोग यहाँ आइए, राजभवन के पास बैठिए, आप लोगों को मिलाएंगे। 24 तारीख से आज 2 तारीख हो गया, किसी प्रकार का कोई पहल नहीं हुआ। गाँव से हमारे पास फोन आ रहा है कि भाई क्या हुआ, नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्या हो रहा है। तो लोग तरह तरह का बात सोच रहे हैं, लोग आने के लिए खोज रहे हैं। तो हम लोग अभी कि इसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूंकि अब हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग बैठ के खाना खाने के लिए नहीं आए, उनसे मिलने के लिए आए। अब हम लोग आज से आमरण अनशन में 23 लोग जा रहे हैं और अगर इस अनशन के दौरान किसी के साथ किसी प्रकार का कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होती है, तो उसका पूर्ण जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री को होगी कि वो अपने छोटे भाइयों का ख्याल नहीं रख पाए। पुलिस प्रशासन तो तभी आपको जाने देगी ना जब वहाँ से आपको निमंत्रण भेजा जाएगा, वहाँ से बुलावा आएगा तभी ना। तो इन लोगों ने बात को रखा ही नहीं होगा तो ये लोग रोक क्यों रहे हैं? अगर वहाँ से बुलावा नहीं आया तो मुख्यमंत्री गेट तक हम लोग को जाने दिया जाए, ये लोग क्यों रोक रहे हैं? और मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों ने उनको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम लोग जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को नहीं रोकना चाहिए? उनको तो स्वागत करके हमको मुख्यमंत्री के दरवाजे तक भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ये लोग क्यों नहीं जाने दे रहे हमको? तो इसीलिए हम लोग का अब आमरण अनशन में बैठ रहे हैं। अब गांव से हम लोग सभी लोग आएंगे और किसी प्रकार का किसी कुछ हुआ तो रांची के जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री इसके जिम्मेवार होंगे। कितने लोग बैठे? 23 लोग हम लोग आमरण अनशन में बैठे।